क्या फायदा वैसा नॉलेज का कि एक्सरसाइज करने से बहुत अच्छा होता है, पर हमारा जो ब्लड प्रेशर अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा। क्या फायदा ऐसा नॉलेज का जब तुम कर ही नहीं रहा, बाहर में एक्टिविटी करेगा तब ना फायदा होगा, नॉलेज होने से नहीं होगा, करना भी तो पड़ेगा। तो क्या फायदा ऐसी नॉलेज का जो मोबाइल टीवी से तुमको मिल रहा है, करना भी तो पड़ेगा। बाहर में एक्टिविटी नहीं कर रहा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा तुम्हारा, सुबह उठो नींद खुला मोबाइल कहाँ पलटा बनेगा, आंख भी नहीं खुला है ना, और मोबाइल में सीधे पहले देखेंगे आधा घंटा, उसके बाद नींद खुलेगा पूरी तरह से, बेड से उठेंगे उसके बाद नींद को क्या हो गया, शेड्यूल खराब हो गया। तुमको क्या लगता है कि रिलेशनशिप ऐसे बिल्ड हो जाता है, महज कुछ लोगों को फॉलो कर लेगा इंस्टाग्राम में, फेसबुक से कुछ कनेक्ट हो गया, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया, बन गया उसके लिस्ट में आ गया, तो क्या हुआ? तुमको तो यहाँ खुद के फैमिली वालों से बात करने का फुर्सत नहीं है। फिजिकली फिट होते हैं स्कूल में खेलते हैं तो बाहर में, और यहाँ पर जो है गेम्स खेलते हैं मेंटली फिट के लिए। एक से एक तर्क जो है इसके पास मौजूद है, लेकिन आधा घंटा वेस्ट हो गया वहीं पे, रील और शॉर्ट्स देखने लग गया, फिर पता ही नहीं कब एक घंटा बीत गया, पता चला कि स्कूल टाइम हो गया, फटाफट जल्दी से भागो इसी तरह से बिना नाश्ता किए, तो पूरी की पूरी लाइफस्टाइल जो है बिगड़ जाती है। लिविंग इन द एज ऑफ गूगल, गूगल के समय में जीना। तो हम लोग इसमें देखे थे कि बाप बेटे में जो है एक बहस चल रही थी, रुपेश होता है और उनके जो पिता होते हैं मिस्टर रमेश, ठीक है। तो मिस्टर रमेश क्या कर रहे होते हैं, घर में वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एग्जामिनेशन का रिजल्ट वाला दिन था, है ना, और वो अपने बेटे का वेट कर रहे थे कि कब वो रिजल्ट लेके आएगा, है ना, तो बेसब्री से वेट कर रहे थे। तभी जो है वहां पे घर का घंटी बजता है, डोरबेल बजता है, और जल्दी से जाते हैं और खोलते हैं दरवाजा, क्या देखते हैं, रुपेश जो है वो सर झुका के खड़े है। तो उसको बोलते हैं कि क्या हुआ, उदास सा दिख रहा था, तो बैग में से वो रिपोर्ट कार्ड देखता है, देखते क्या उसके पिता कि सारा जो है उसका ग्रेड जो है सारे पुअर ग्रेड से आए थे, है ना। उसके बाद उसको डांटना चालू कर देते हैं कि सारा दिन जो है सुबह से लेकर तो शाम तक क्या करते रहता है, सुबह उठता है एकदम मोबाइल ब्राउजिंग करते रहता है, चैटिंग करते रहता है ना, और शाम होता है टीवी वगैरह में देखते रहता है, नाच गाना चैनल वगैरह सीरियल्स वगैरह और मूवीज वगैरह सब यही सब देखते रहता है, दिन भर इसी तरह से पार कर देता है, तो रिजल्ट तो खराब आना ही है। इस तरह से खूब भाषा भाषी होता है दोनों में। तो वो भी अपने बचाव में जो है कुछ कहता है पापा को कि इंटरनेट होता है वो हमेशा बेकार नहीं होता, कहता है कि इंटरनेट से हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते भी हैं, क्योंकि इंटरनेट में क्या होता है, ई बुक्स होता है, ऑडियो वीडियो विजुअल मटेरियल्स होता है, हम लोग वहां पे टेक्स्ट कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स में जो डाउट है उसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे वेबसाइट है उसमें जो हम लोग पोस्ट कर सकते हैं, और वीडियो कॉल के माध्यम से हम लोग अपने डाउट को भी पूरा क्लियर कर सकते हैं, ये सब जो है अपना बताता है। लेकिन इस आर्गुमेंट के बाद जो है मिस्टर रमेश सेटिस्फाई नहीं होते हैं, है ना, ये जो है बोल तुम्हारा जो भी जवाब है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आजकल जो चीजें जो आजकल तुम दिन भर जो टीवी वगैरह देख रहे हो और इंटरनेट में बोल रहा है चलो ठीक है, लेकिन टीवी में क्या क्रेज है, दिन भर गाना वगैरह देखते रहता, सीरियल्स देखते रहता, उसमें क्या नॉलेज मिलता है तुमको, इस तरह से डांटते हैं उसको, है ना, क्या ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, ठीक है। इस तरह से सारा चीज बोलते हैं कि आजकल जो सो कॉल्ड टीवी स्मार्ट टीवी स्मार्टफोन जो बोलते हैं वो आजकल क्या करते हैं, लोगों का सेहत के साथ में बिगाड़ देते हैं, उसको सेहत जो खराब हो जाता है, और तुम्हारा खराब नहीं हो रहा, तुम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हो, है ना, इस तरह से करके अपने बेटे को झाड़ते हैं लताड़ते हैं, है ना, बातों से, ठीक है। कहता कि मैसेज सेंडिंग मैसेज चैटिंग, है ना, अपलोडिंग डाउनलोडिंग पोकिंग, ये सब सारे चीजें क्या है, रबिश है, बकवास है, ठीक है, ये सब सारी चीजें बोलते हैं। तो रुपेश जो फिर से अपने पापा को कन्विंस करने का कोशिश करता है, क्या कहता है, कहता पापा देर आर मेनी इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव चैनल ऑन टीवी, आई कैन गेट अपडेटेड एंड बिकम अवेयर अबाउट मेनी यूजफुल इंफॉर्मेशन थ्रू द न्यूज एंड अदर इंफॉर्मेटिव चैनल। रुपेश पापा को क्या बोलता है कि इंटरनेट को समझा दिया थे, इंटरनेट के बारे में नहीं बोल रहे, पापा किसके बारे में बोल रहे हैं, टीवी के लिए क्या पागलपन है, क्यों देखते रहता है दिन भर टीवी। तो बताता है कि टीवी में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन वाला चैनल होता है, जिसमें एजुकेटिव चैनल होता है, जिसमें से चैप्टर पढ़ाया जाता है, एक एक करके देखे कभी नहीं, सीरियल से फुर्सत मिलेगा ना, हाँ सीरियल से सॉन्ग वाला सबसे फुर्सत मिलेगा तब ना, तो बहुत सारे नॉलेज होता है जहां पे पढ़ाता है एकदम, है ना, फ्री वाले चैनल्स में भी मिलता है, तो देखना उसको कभी। वही चीज बताता है कि एजुकेटिव चैनल भी मिलते हैं जहां पे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है, हमको जो है न्यूज चैनल वगैरह भी रहता है जिसके बारे में हमको अगल बगल क्या चीज हुआ है नहीं हुआ है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलता है, ये सब सारी चीजें बताता है। लेकिन आज जो है मिस्टर रमेश पूरे लाल हो चुके थे गुस्से से और झाड़ने के मूड में थे पूरा, क्योंकि उसका ग्रेड खराब आया था, ठीक है, तो रुकने वाले नहीं थे वो। तो आगे बोलते हैं, तुमको पता है यू नो
मोबाइल फोन्स एंड टीवी विच आर कंसीडर्ड टू बी स्मार्ट आर एक्चुअली रूइनिंग द हेल्थ ऑफ यंग चिल्ड्रन एंड डिस्टर्बिंग देयर लाइफस्टाइल। इफ वन वॉचेस टेलीविजन और ब्राउज़ेस इंटरनेट फॉर अ शॉर्ट टाइम इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन बट इफ दिस आर यूज्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इट हैम्पर्स योर स्टडीज एंड हेल्थ। आगे मिस्टर रमेश क्या बोलते हैं, तो वो शिक्षित इंसान है, अच्छे पढ़े लिखे जैसा जवाब दे देते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, उनकी बातों में भी सच्चाई है। कहते हैं, आगे बताते हैं कि ये जो आजकल तुम लोग बोलते हो, ये मोबाइल फोन या टीवी जो है, जिनको हम लोग अगर थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करें, कम समय के लिए इस्तेमाल करें, उसको जो है इंटरटेनमेंट के लिए हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन जो दिन भर जो लगे रहता है उससे क्या होता है, वो हमारे हेल्थ को खराब करता है और पढ़ाई को भी खराब करता है, मतलब कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है पूरी तरह से बिगड़ जाता है। सुबह उठो, नींद खुला, मोबाइल कहाँ पहले टमड़ेगा, आंख भी नहीं खुला है ना, और मोबाइल में सीधे पहले देखेंगे आधा घंटा, उसके बाद नींद खुलेगा पूरी तरह से, बेड से उठेंगे उसके बाद ये तो क्या हो गया, शेड्यूल खराब हो गया, लेकिन आधा घंटा वेस्ट हो गया वहीं पे, रील और शॉर्ट्स देखने लग गया, फिर पता ही नहीं कब एक घंटा बीत गया, पता चला कि स्कूल टाइम हो गया, फटाफट जल्दी से भागो इसी तरह से बिना नाश्ता किए, तो पूरी की पूरी लाइफ स्टाइल जो है बिगड़ जाती है। तो ये सच्चाई जो है वो बताते हैं, ठीक है। तो हाँ, थोड़ी देर के लिए अगर करें तो हम लोग इंटरटेनमेंट या फिर रिक्रिएशन जो होती है नई नई चीजें के लिए हम लोग जानते हैं, इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन ज्यादा समय के लिए यूज करें तो हमारा लाइफ स्टाइल को बिगाड़ता है, हमारा हेल्थ को बिगाड़ता है, ठीक है। आगे फिर बताते हैं, वो कहते हैं कि दीज डेज आजकल यू हैव स्टॉप प्लेइंग आउटसाइड। आजकल तुम क्या कर रहे हो, खेलना बंद कर दिया बाहर में, खाली मोबाइल में लगे रहता है, टीवी में लगे रहता है, बाहर में खेलना बंद कर दिया बिल्कुल ही। नो आउटडोर एक्टिविटीज, नो फिजिकल एक्सरसाइज, मोर ओवर व्हाट इज द यूज ऑफ द नॉलेज प्रोवाइडेड बाय मोबाइल टीवी और इंटरनेट इफ इट इज नॉट इन प्रैक्टिस। फिर आगे क्या बोलते हैं, आजकल तुम बिल्कुल ही पूरा बाहर खेलना कूदना बंद कर दिया है, तो क्या फायदा वैसा नॉलेज का कि एक्सरसाइज करने से बहुत अच्छा होता है, है ना, हमारा जो ब्लड प्रेशर अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, क्या फायदा ऐसा नॉलेज का जब तुम कर ही नहीं रहा, बाहर में एक्टिविटी करेगा तब ना फायदा होगा, नॉलेज होने से नहीं होगा, करना भी तो पड़ेगा, तो क्या फायदा इसी नॉलेज का जो मोबाइल टीवी से तुमको मिल रहा है, करना भी तो पड़ेगा, बाहर में एक्टिविटी नहीं कर रहा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा तुम्हारा, ठीक है। इस तरह से वो डांटते हैं और पूछते हैं कि क्या फायदा इसे टीवी और इंटरनेट का, तो वो प्रैक्टिस में ही नहीं है, अमल में भी नहीं है। रुपेश ट्राइड टू कन्विंस हिज फादर, आगे और अपने पापा को समझाने का प्रयास करते हैं। रुपेश, पापा व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, वी प्ले आउटसाइड गेम्स इन द स्कूल एंड फील टू बी फिजिकली फिट एंड वी प्ले वीडियो गेम्स टू बी मेंटली फिट, ऑल ऑफ अस वेदर नियर और फार आर इन कॉन्स्टेंट टच विद ईच अदर थ्रू सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। आगे पापा को समझाते हुए बोलता है क्या, पापा आप समझ क्यों नहीं रहे, है ना, आगे समझाने का कोशिश करता है ना, वार्तालाप हो रहा है नॉलेज वाला पर्पज से, ठीक है। क्या बोलता है, पापा आप समझते क्यों नहीं है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, हम लोग जो है स्कूल में क्या करते हैं, हम लोग स्कूल में प्लेग्राउंड में खेलते हैं, वहां पे फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, और घर में क्या करते हैं, मोबाइल गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, जिससे हम लोग फिजिकली फिट होते हैं स्कूल में खेलते हैं तो बाहर में, और यहाँ पर जो है गेम्स खेलते हैं मेंटली फिट के लिए। एक से एक तर्क जो है इसके पास मौजूद है, ठीक है। और क्या कहता है आगे, कहता है कि आजकल हम लोग इंटरनेट की मदद से हम लोग सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, क्या होता है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, दीपिका क्या होता है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, वही फेसबुक व्हाट्सएप, है ना, ये सब इंस्टाग्राम स्नैपचैट ट्विटर, जिससे हम लोग क्या करते हैं जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से, वही चीज बोलता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स के मदद से आजकल हम लोग सारे लोग एक दूसरे में टच में रहते हैं, जब चाहो तब किसी को भी मैसेज भेज दो, ग्रुप में भी बात कर सकते हैं, है कि नहीं, हमको जो है उनका कॉन्टेक्ट नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, उनका एनिवर्सरी याद रखने की जरूरत नहीं है, बर्थडे याद रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वो लोग खुद ही बता देता है हमको, है ना, फेसबुक वगैरह बताता है ना, आज इसका बर्थडे है विश करो जिसको, हाँ, तो वो जो है हमको खुद याद दिला देता है, ऐसा करके बताता है, तो हम लोग को ये क्या किया, एक दूसरे को करीब ले आया है, ठीक है। तो कहता है कि पूरी दुनिया जो है इंटरनेट की बदौलत पूरी दुनिया क्या हो गया है, सब लोग एक छोटा जगह बन गया, मतलब कभी भी कहीं भी किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, तो ये पूरी दुनिया जो है छोटी सी जगह बन गई है जिसे हम लोग कॉन्स्टेंट टच में रह सकते हैं, ठीक है, जब चाहे उससे बात कर सकते हैं। तो मिस्टर रमेश क्या बोलेंगे, देखो क्या बोलते हैं मिस्टर रमेश,
So what if you are in touch with all? Do you have time to talk to your own family members? Merely following on people's Twitter, Facebook and having few followers, you can't claim to be social. You must have the warmth of relationship and I am sure virtual world can't provide it. आगे क्या बोलते हैं? तो क्या हुआ, तुम लोग पूरी दुनिया वाले एकदम एक टच में रहते हो? तुमको क्या लगता है कि रिलेशनशिप ऐसे बिल्ड हो जाता है? महज कुछ लोगों को फॉलो कर लेगा इंस्टाग्राम में, फेसबुक से कुछ कनेक्ट हो गया, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया, बन गया, उसके लिस्ट में आ गया, तो क्या हुआ? तुमको तो यहाँ खुद के फैमिली वालों से बात करने का फुर्सत नहीं है, मोबाइल में लगा रहता है ना? ऐसे ही हो रहा है ना? तो सिर्फ कुछ लोगों को फॉलो कर लेना जो सोशल नेटवर्किंग साइट से, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे, उसमें तुम सिर्फ कुछ लोगों को फॉलो कर लेना से मात्र से रिश्तों में गर्माहट नहीं आती है ना? उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? रियल में तुमको बात करना पड़ेगा, रियल, तभी उसमें रिश्तों में क्या होगा, एक गहरापन बनेगा और अच्छी जो है रिश्ते में पकड़ बनती है। सिर्फ फॉलो कर लेने से नहीं होता। तो हम ये चीज हम कह सकते हैं कि तुम्हारे जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसमें उसमें जो है वो ये चीज प्रोवाइड नहीं कर सकता, रिश्तों में जो गर्माहट जो है कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो फिर अपना बचाव में क्या कहता है रुपेश? इट मीन्स यू डोंट वैल्यू द बून ऑफ टेक्नोलॉजी। You don't think that TV, mobiles, internet are easily accessible and useful to get information and for entertainment. आगे बोलता है क्या बचाव में? इसका मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी बढ़ा, आप उसकी सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये फायदा नहीं है इंसान के लिए। आप यही ना कहना चाह रहे हैं? आपको क्या लगता है कि टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, ये जो हमको आसानी से इतना सारी चीजें मिल जा रही है, इसका कोई फायदा ही नहीं है? रुपेश बोल रहा अपने पिता से, है ना, अपने बचाव में बोल, ये सब सारी चीजें, इससे हमको क्या इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट वगैरह नहीं होता? He had another point to make. Papa, I hope you will agree that technology saves money and time. फिर अपना एक और पॉइंट बोलता है कि आपको पापा एक बात तो माननी पड़ेगी कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा समय और पैसा दोनों बचता है कि नहीं? किसी को कुछ बात पहुंचाना था, पहले लेटर भेजते थे तो लेटर में पैसा भी लगता था और समय भी लगता था जाने में, एक सप्ताह जो भी लगता था। आजकल क्या करते, तुरंत मैसेज कर दिया है, देख लिया, सीन हो गया, डबल टिक, ब्लू टिक लग गया ना जी, मैसेज कर दिया, फोन कर दिया तुरंत जो भी बात करना है, है ना? ये चीज एक पॉइंट और अपना ये करता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग क्या हुआ, मनी और टाइम दोनों बचता है। रेलवे जाना था टिकट खरीदने के लिए काउंटर में लंबी लाइन में कतार में खड़ी रहनी पड़ती थी, लेकिन आजकल क्या है, ऑनलाइन डायरेक्ट बुकिंग करते हैं, सीधा अपना कोच में चढ़ जाओ, सीट में बैठ जाओ, इससे हमारा समय बचता है, एफर्ट बचता है कि नहीं? हाँ, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए होता है डायरेक्ट हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो मिस्टर रमेश कंसोलिडेटेड हामी भरते कि हाँ हाँ, यू एग्री, आई एग्री, बट यू डोंट नीड एंटरटेनमेंट थ्रू आउट द डे। क्या बोलते हैं वो? कहा तुम ठीक बोल रहा है लेकिन आधा सच बोल रहा है ना? यहाँ पर भी आधा सच बोल रहा है, तुम्हारी बातों में सच्चाई तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं है ना पीयूष? कितना तरह से? पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। कौन सा व्यक्ति को सारा दिन इंटरटेनमेंट चाहिए होगा? दिन भर इंटरटेनमेंट करेगा तो काम कब करेगा, पढ़ाई कब करेगा? दिन भर इंटरटेनमेंट खाली करते रहेगा तो इससे क्या होता है, दिन भर लगे रहेगा तो इससे ये हैम्पर्स स्टडी एंड स्लीप। जो ज्यादा करेगा उसका नींद भी ठीक से नहीं आता, आदत पड़ जाएगा 12 बजे 2 बजे रात में सोने का और 10 बजे तक उठेगा, 11 बजे उठेगा। वो सारे व्यक्ति अगल बगल देख लेगा मिल जाएगा, है ना? मोबाइल की वजह से 12 बजे सोते हैं क्योंकि उसको डेटा भी खत्म करना होता है ना? खत्म नहीं होगा उसको अफसोस होने लगता है, इसलिए 12 बजे सोते हैं रात में, लेट जो है सुबह में उठे। तो ये क्या होता है, हमारा जो है हेल्थ को भी खराब कर रहा है, प्लस स्लीप, हमारे नींद जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी वो हैम्पर्स कर रहा है। समझ में आया? तो पापा जो ये सारा चीजें बोलते हैं जिसके वजह से क्या होता है, हमें जो है जब उठते हैं स्कूल में आते हैं टाइम से सोते नहीं, तो उसकी वजह से क्या होता है, नींद पूरी नहीं होती, तो हम लोग क्लास में आते हैं या कोई काम में जाते हैं, हम लोग वहां पे झपकी लेने लगते हैं, है ना, नींद आने लगती है या फिर सुस्तीपन लगता है हमको, एकदम एनर्जेटिक नहीं लगता है ना हमारे बॉडी में, क्योंकि हम लोग टाइम पर सोएंगे, टाइम पे उठेंगे, तभी तो एनर्जी रहेगा बॉडी में, ठीक है? ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो भी है, टीवी, मोबाइल वगैरह, इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हमको जरूरत हो तभी यूज करना चाहिए, जब हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए या रिक्रिएशन एक्टिविटी के लिए हमको चाहिए, नई चीज की जानकारी चाहिए, तभी हमको यूज करना चाहिए। अब लगे पड़े हैं दिन रात, उसे क्या होगा, हमारा हेल्थ के साथ में स्लीप भी खराब होगा, ऐसे इसके पापा जो समझाते हैं। समझे रंजना? समझ गई? He said, टेक्नोलॉजी कैन नेवर बी रॉन्ग। क्या बताते हैं आगे कि टेक्नोलॉजी कभी भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है? लेकिन इट हैज बीन इन्वेंटेड टू मेक आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल। किस लिए बनाया गया इसको, ताकि हमारा जीवन जो है वो आरामदायक हो सके, इसलिए ना बनाया गया है। दे आर आवर सर्वेंट। वो लोग कौन है? टेक्नोलॉजी, वो हमारे नौकर की तरह है,
ठीक है, लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग उसके नौकर बन जा रहे हैं, है ना। जब देखो हुकुम दे रहा है, ए जल्दी निकालो हमको, देखो जल्दी, दिन रात देखते रहो उसी को, वो लग रहा हुकुम थोड़ा देर साइड रख देगा, पता नहीं लाइफ में लग रहा कुछ मिसिंग है, मोबाइल को एक दिन छोड़ दो अपने साइड से, लगा कुछ तो मिस कर रहे हैं, मिस कर रहे, बार बार ध्यान जाएगा वहीं पे, समझ में आ रहा। तो उसको मालिक नहीं बनने देना है, तो टेक्नोलॉजी जो भी है, मोबाइल जो भी है, जो भी आए हैं, उसको क्या करना है, वो हमारे नौकर है, हमारे सहूलियत, हमारे कंफर्टेबल के लिए बना है। तो सो डू नॉट लेट देम बी आवर मास्टर, उसे हमारा मालिक नहीं बनने दो, है ना। जब भी हमको जरूरत है हम उसके साथ में वैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। एक्सेसिव एंड इरेशनल यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में लीड्स टू हेडेक, ज्यादा इस्तेमाल करने से क्या होगा, इन गैजेट्स का ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह जो भी है, देखो ज्यादा अगर इस्तेमाल करते हैं जब जरूरत नहीं हो फिर भी, तो क्या होता है, हमारे सर में दर्द हो सकता है, माइग्रेन वगैरह हो सकता है, है ना, हेडेक वगैरह हो सकता है, आंखों में प्रॉब्लम हो सकता है, इचिंग वगैरह जो होता है, खुजली वगैरह टाइप में, और भी बहुत सारे आई साइट जो होता है हमारे, उसमें लॉस हो सकता है, आंखें की रोशनी जो कम हो सकती है, ठीक है। हाइपर टेंशन हो सकता है भाई, सर दर्द जो होता है, हाथ कपारी जिसको बोलते हैं, है ना। इससे क्या होता है, ओबेसिटी, मोटापा का भी कारण हो सकता है, क्या हो सकता है, मोटापा का भी कारण। समटाइम आई एम अफ्रेड ऑफ दिस यंगर जनरेशन बीइंग सो इंटरेस्टेड इन वायलेंस एंड क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम्स। कई बार क्या होता है कि डर लगता है, पापा क्या बोलते हैं इनके, कई बार ऐसा होता है, डर लगता है कि ये जो यंगर जनरेशन है, जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं इस जनरेशन में, इनका फ्यूचर को लेकर, ठीक है, क्योंकि आजकल ये क्या करते हैं, टीवी में, मोबाइल में, क्या कैसे देखते हैं, कौन से चीजें देखते हैं, सीरियल में भी यार, इनफैक्ट सीरियल में भी कैसा होता है, जो वायलेंस या फिर क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम्स, सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, या सीरियल्स में मर्डर वगैरह जो होता है, लूटपाट होता है, किडनैपिंग होता है, ये सब सारे देखने में इंजॉय ले रहे हैं छोटे बच्चे, वो सब देख के क्या सीखेंगे, नेगेटिव चीज ना सीखेंगे, हाँ कैसे कैसे क्या करना है, नहीं करना है, मार धाड़, इसको मार रहा है, उसको मार रहा है, एक्शन वाला उड़ के मार रहा है ना, उठा पटक चल रहा है पूरा, ये सब देखने में मजा आ रहा है, एक्शन वाली मूवीज। तो इस यंगर जनरेशन को लेकर वो इनको फिक्र है, इनके पिता को, समझ मारे। अब रुपेश जो है शांत हो जाता है और कहता है कि ये जो क्राइम रिलेटेड जो होते हैं एपिसोड वगैरह, उससे क्या होता है, हम लोग पहले से सावधान हो जाते हैं कि ये सब सारी चीजें हो सकती है हमारे साथ में, तो हम लोग क्या होते हैं, पहले से अलर्ट हो जाते हैं, जानकारी मिल जाती पहले कि बाहर जाएंगे कहीं तो ये सब चीजें हो सकती है, तो उससे हमको जानकारी मिल जाता है, ठीक है। बट आई एम कन्विंस्ड दैट इट शुड बी यूज्ड जुडिशियली, लेकिन हम इस बात से आपके सहमत है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसको जब जरूरत हो तभी यूज करना चाहिए, हमेशा यूज नहीं करना चाहिए। रुपेश बोलता है अपने पिता से कि आपके इस बात से हम सहमत हैं कि जब जरूरत हो तभी यूज करना चाहिए, ठीक है। ये डिस्कशन चल रहा था पूरा दिन, उसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है, कुछ समय बीतने के बाद क्या होता है, डिस्कशन के बाद वन सेकेंड द डोर बेल रेंग एंड मिस्टर रमेश ओपेंड द डोर। उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या होता है, फिर से उसी तरह से मिस्टर रमेश जो है वापस दरवाजे के पास जाते हैं, घंटी बजती है और सामने कौन होता है, रुपेश, है ना, दोबारा से रुपेश होता है। लेकिन इस बार क्या था, ही साव रुपेश विद अ ग्लेजिंग सर्टिफिकेट इन हिज हैंड, आई मेड इट पापा, क्या बोलता है, उसके हाथ में एक चमचमाता हुआ सर्टिफिकेट होता है, उसे बोलता है कि पापा देखिए हमने कर दिखाया, तो सर्टिफिकेट में क्या था, सो देखो, रुपेश सेड एंड हग्ड हिज फादर। तो ये बात कहते हुए अपने पापा के गले लग जाता है और कहता है, रुपेश फादर रीड द सर्टिफिकेट एंड स्माइल स्प्रेड ऑन हिज लिप्स, आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन एंड आई नो इट्स ड्यू टू द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। एवरीवन एट होम वाज हैप्पी टू नो दैट रुपेश रिसीव्ड एन इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी एंड ही वाज सिलेक्टेड टू गो अब्रॉड फॉर अ टॉक ऑन हिज ऑनलाइन प्रोजेक्ट। अब उसके पिताजी क्या करते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, देखते हैं क्या चीज का सर्टिफिकेट है, है ना, देखते हैं कि उसको देखते पढ़ते उसके चेहरे में एक बड़ी सी स्माइल, चौड़ी सी स्माइल आ जाती है, है ना, कहता है कि आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन, है ना, हमको तुम पे गर्व है। ये सब सारे किस वजह से हो पाया, क्योंकि टेक्नोलॉजी का तुमने अप्रोप्रिएट यूज किया, सही तरीके से यूज किया, इसीलिए तो सभी लोग घर में भी बहुत सारे खुश थे, क्योंकि तो घर में क्या थे, सभी लोग जो है खुश हो जाते हैं, क्योंकि रुपेश को एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से जो है बुलावा आया था, है ना, उसको बुलावा आया था, उसको मिला था सर्टिफिकेट, ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिला था, किस लिए, इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेट ये था प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से, जिसमें उसको सेलेक्ट किया गया था ताकि ऑनलाइन प्रोजेक्ट में वो बात कर सके, है ना, एब्रॉड में, एब्रॉड मतलब विदेश, विदेश में जाएगा और सारा खर्चा कौन उठाएगा,
यूनिवर्सिटी वाले होते हैं उसको बुलाया जाता है, फिर ना उसको खर्चा पानी भी दिया जाता है और अपना ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे बात किया जाता है, बात करेगा ये ऑनलाइन प्रोजेक्ट को लेकर। तो सारे लोग खुश थे घर में, रुपेश भी खुश था क्योंकि ये भी बहुत ही यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट मिल गया, मतलब उसको सेलेक्ट हो गया तो उसको और भी अच्छा लाइफ करियर बन सकता है वहां से। ठीक है, ये थी तुम्हारी कहानी कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए और अपने लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जाए।